नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। ब्रिटेन की शुरुआत कर दें इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संसद में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आरोप प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, वही आरोप तो कांग्रेस पहले से भाजपा और आरएसएस पर लगाते आ रही है। सीएम गहलोत ने चिंतन शिविर की समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में तनाव का माहौल है, असुरक्षा और हिंसा का माहौल है। उल्टे प्रधानमंत्री कांग्रेस पर तनाव पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। मोदी जी का इस प्रकार का स्टेटमेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। आज हिंसा का माहौल, अशांति का माहौल, ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर। अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, तनाव का माहौल है। ये आरोप तो हमारे हैं, एनडीए गवर्नमेंट पर और बीजेपी पर, आरएसएस पर। और मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस के हमेशा आप लोगों को मालूम इतिहास क्या रहा है, जो गांधी जी के वक्त से आज़ादी के जंग में जो भूमिका अदा करी दुनिया को मालूम है, उनका संदेश ही अहिंसा से शुरू होता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले का मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर विरोध जताया। राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा को लेकर कर जो धांधली हुई है, उस विषय को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला रही है। आज उसी कड़ी में अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस रिट परीक्षा को लेकर कर राजस्थान की सरकार ने, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने स्वीकार किया है कि रिट का पेपर लीक हुआ, उसके अंदर धांधली हुई। एक और जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वहीं सतीश पूनिया के बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और सतीश पूनिया का पुतला फूंका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस के लिए जो अपशब्द कहे, उसी को लेकर पूनिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया ने जिस तरह के अपशब्द कांग्रेस पार्टी के लिए काम में लिए गए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया कि कोई भी राजनीतिक दल का जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की भाषा का जो उपयोग किया वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसका जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया ताकि भविष्य में वो इस तरह की ऊंची हरकतें नहीं करें। उदयपुर जिले के सलूम्बर नगर में उचित मूल्य की दुकान में गेहूं का गबन करने के मामले में आरोपी राशन डीलर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अब पुलिस ने उपखंड कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी ने बाईपास प्रक्रिया करके गेहूं का गबन करने में सहयोग किया था। प्रवर्तन निरीक्षक श्री अशोक कुमार जी ने 6/4/21 को प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सलूम्बर स्थित राशन डीलर श्री महिपाल जैन के द्वारा 161 बाईपास प्रक्रिया से राशन कार्ड का दुरुपयोग करके करीब 62,625 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर हमारे थाने पर प्रकरण दर्ज हुआ था। पुलिस के द्वारा गहनता से अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात महिपाल जैन के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने से महिपाल जैन को गिरफ्तार करके न्यायिक अभियोग में भेजा गया था। इस प्रकरण में जब बहुत ही गहराई से अनुसंधान किया गया तो ये पाया गया कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच उपखंड अधिकारी कार्यालय से बाईपास प्रक्रिया के राशन कार्ड जारी हुए थे।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तिरंगा यात्रा निकाली। 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं इस दौरान गांधी चौराहे पर स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीरों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। डूंगरपुर में कोरोना महामारी में हुई जिला मुख्यालयों पर तत्काल भर्ती में नियुक्त स्वास्थ्य सहायकों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। बकाया वेतन को लेकर उन्होंने जिला उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। सहायकों ने बताया कि कम वेतन में भी उन्होंने कोरोना महामारी के समय में अहम भूमिका निभाई है, इसके बावजूद उन्हें भुगतान के लिए पिछले 6 माह से इंतजार करना पड़ रहा है। हम कोविड स्वास्थ्य सहायक से हैं। हम अगस्त 2021 से हमारी ज्वाइनिंग हुई है। विगत 6 माह से हमको हमारा मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। हम हमारा काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम सर्वे से रिलेटेड जितना भी चिकित्सा विभाग का कार्य वो कर रहे हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य अभी तक कर रहे हैं। जो जिले का वैक्सीनेशन का जो संपूर्ण कार्य है वो अभी कोविड स्वास्थ्य सहायक ही कर रहा है। दूसरी बात रही सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी तक कोविड की जो सैंपलिंग है वो भी कार्य अभी कोविड स्वास्थ्य सहायक ही कर रहा है। यहाँ तक कि PMO में भी हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक ही अभी सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं। दूसरा बात, हम विगत 6 माह से हम अभी जो कार्य कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारा मानदेय भुगतान नहीं हुआ। ब्यावर के बाली बाजार स्थित कलर लैब में 15 दिन पहले चोरी हुई थी, उसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। चोरी के मामले का खुलासा नहीं होने से नाराज फोटोग्राफर एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने चोरी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही खुलासा करने की मांग की है। दुर्गापुरा कचरे का हब बनता जा रहा है। जहां एक ओर स्वच्छता का अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 86 गंदगी के मामले में ग्रेटर के सभी वार्डों में पहले नंबर पर है, जिसके हर कोने पर आपको गंदगी के डिपो मिलेंगे। सीवरेज के ढक्कन टूटे हुए हैं। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि को जगाने का वार्ड वासी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि गंदगी के कारण आमजन का जीना हराम हो रहा है। रतनगढ़ नगर पालिका की साधारण में 111,69,17,000 का बजट पारित किया गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। आपको बता दें कि साधारण सभा में पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर सहदेव चरण ने बजट को पढ़कर सुनाया। जिले के रामगढ़ पचवारा के निजी कॉलेज में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार के 75,000 करोड़ सूर्य नमस्कार के संकल्प के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूर्य नमस्कार की संपूर्ण क्रियाओं का छात्रों और कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अदिति गौतम ने सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TPB News। नमस्कार।